वॉल्यूम प्लस होम पावर, वॉल्यूम माइनस पावर प्लस डाटा, मल्टीपुट केबल। मल्टीपुट केबल क्या है? मल्टीपुट केबल 200 रुपए का आता है, 200 रुपए। मेरा वॉल्यूम बटन खराब हो गई मोबाइल का, मल्टीपुट केबल घुसेड़ दो, सीधा डाउनलोडिंग मोड में ले जाए, सॉफ्टवेयर डाल दिए, डायरेक्ट डाउनलोडिंग मोड में ले जाए। प्रोसेस नहीं हो रहा तब इसका, अगर तेरी वॉल्यूम बटन खराब है तो मल्टीपुट केबल आता है, जरा डाटा केबल आता है वो लगा दो, डाउनलोडिंग मोड में जाएगा। तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं दबाना पड़ेगा, और कुछ दबाने की जरूरत, स्विच ऑफ करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करके लगाना पड़ेगा, लगा दो डायरेक्ट सीधा उसमें जाएगा। और एंड्रॉइड के अंदर में तेरा फास्ट बूट मोड रहेगा, और सैमसंग के अंदर में तेरा डाउनलोडिंग मोड रहेगा। तो लेनी पड़ेगी ओडिन फ्लैश टू, तो लेना ही पड़ेगा सैमसंग के अंदर, सिर्फ सैमसंग के अंदर। अच्छा वो जो UMT Pro, तो इसमें वो किसमें किसमें काम करता है? UMT Pro वगैरह के अंदर जरूरत ही नहीं है भाई, ये तेरे को फ्री में डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से। सैमसंग ओनली सैमसंग। अच्छा इन एंड्रॉइड के लिए अलग है, Q-Fail है, Q-Fire है, अलग अलग। सैमसंग के अंदर का ओडिन फ्लैश टूल सबसे पावरफुल टूल। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल AP BL CP CSC दो टाइप की आती है, एक मल्टी वाली एक सिंगल वाली। सबसे AP सबसे इम्पोर्टेंट है, और सैमसंग की बुट की क्या है, होम बटन, पावर और वॉल्यूम ऑफ। मल्टी 800 काट कर रहा, पॉलीकॉम भी लगा हुआ ना CPU, तब भी तुम्हारे को एक्सिनोस ही CPU मिलेगा। फ्लैशिंग करेंगे तो कॉलीकॉम को नहीं करेंगे, एक्सिनोस को करना पड़ेगा, चाहे 1 लाख का मोबाइल रहा या 10,000 का, पैटर्न नहीं रहे होल्डिंग नहीं। खाली AP होती है सिंगल, हाँ सिंगल सिंगल AP रहेगा, और मल्टी के अंदर हाँ सिंगल एक आएगी। जब तुम फ्लैशिंग करेंगे तो दो मेथड है, या तो एक वाला मेथड रहेगा या चार वाला मेथड रहेगा। अगर नहीं तो फाइल कौन सी इसमें आएगी, कौन सी फाइल? सिंगल फाइल है तो AP, सिंगल फाइल है तो AP, और चार फाइल है तो चारों है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फाइल AP रहेगी। मतलब एक AP ज्यादातर डाउनलोड होगी।